फ्रेंड्स, दिस इज़ ख्याति सेठी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू विल फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम पोइट्री सेक्शन की 5th पॉइंट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले हमने मेन कोर्स बुक के 4 चैप्टर्स कर लिए। लेसन 1 द हैप्पी प्रिंस, लेसन 2 वेयर इज साइंस टेकिंग अस, लेसन 3 सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड लेसन 4 द गिफ्ट फॉर क्रिसमस। इसके अलावा पोइट्री सेक्शन की 5 पॉइंट्स भी कर ली। पॉइंट 1 करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, पॉइंट 2 डेथ द लेवलर, पॉइंट 3 अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह, पॉइंट 4 रजिया द टाइग्रेस एंड पॉइंट 5 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसके अलावा 4 चैप्टर्स और 4 पॉइंट्स के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए और आज हम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक चैप्टर्स और पॉइंट्स नहीं किए हैं वो कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर्स की इंग्लिश प्रोज सेक्शन नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉइंट्स की इंग्लिश पोइट्री सेक्शन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्वेश्चन आंसर्स की क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल चैप्टर नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लास्ट एंड 5th पॉइंट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर कविता किसने लिखी है? तो इसका आंसर है नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर रोट द पोएम। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, नोबल लॉरेट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति नोबल पुरस्कार जीतता है हम उसे कहते हैं नोबल लॉरेट। इसीलिए हम रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। तो जो नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने वेयर द माइंड इज विदाउट फियर कविता लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2, टू हूम डज द पोएट प्रे इन दिस पोएम? इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर जी यानी कि इस कविता के कवि किससे प्रार्थना करते हैं? तो इसका आंसर है द पोएट प्रे टू द गॉड। जो इस कविता के कवि हैं यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी इस कविता में परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिवाइड द वर्ल्ड? ये जो वर्ल्ड है, संसार है, दुनिया है, इसको कौन सी चीज बांटती है? ऐसा क्या है जो संसार को बांटता है? तो इसका आंसर है वॉल्स ऑफ रिलीजन कास्ट एंड क्रीड डिवाइड्स द वर्ल्ड। धर्म, जाति और पंथ की दीवारें वर्ल्ड को, संसार को, दुनिया को विभाजित करती हैं, डिवाइड करती हैं, अलग करती हैं। धर्म, जाति और पंथ की ही दीवारें हैं जो लोगों को आपस में बांटती हैं, जो लोगों के बीच में दीवारें खड़ी करती हैं, जिससे संसार आपस में बट जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज टैगोर वांट नॉलेज टू बी फ्री? जो टैगोर जी हैं यानी कि इस कविता के कवि हैं, वो क्यों चाहते हैं कि जो नॉलेज है वो फ्री हो, ज्ञान मुक्त हो? तो इसका आंसर है बिकॉज नॉलेज इज नेसेसरी टू मेक द कंट्री ट्रूली इंडिपेंडेंट। देश को वास्तव में स्वतंत्र बनाने के लिए, देश को ट्रूली इंडिपेंडेंट करने के लिए जो नॉलेज है वो ज़रूरी है, ज्ञान है जो वो नेसेसरी है। इसीलिए जो टैगोर जी हैं वो चाहते हैं कि जो नॉलेज है वो फ्री हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड हिज पीपल लिव? कवि के अनुसार यानी कि टैगोर जी के अनुसार उनके लोगों को यानी कि जो देशवासी हैं, उनके देश के लोग हैं, उन्हें किस तरह का जीवन जीना चाहिए? तो इसका आंसर है
दे शुड लिव अ लाइफ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट एनी फियर इन देयर हर्ट। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इस कविता के कवि हैं, वो चाहते हैं कि उनके देशवासी, उनके देश के लोग अपने दिल में बिना किसी डर के स्वाभिमान का जीवन जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ स्पेंड करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड मैन स्ट्राइव फॉर। मनुष्य को किस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए, किस चीज़ के लिए स्ट्राइव करना चाहिए? तो इसका आंसर है, मैन शुड स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। मनुष्य को पूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए, परफेक्शन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। हमें इस कविता के सेंट्रल आइडिया को लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। द पोएट प्रेज टू गॉड टू ट्रांसफॉर्म हिज कंट्री इंटू अ पैराडाइज ऑफ फ्रीडम। जो इस कविता के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके देश को आज़ादी के स्वर्ग में बदल दें। ही प्रेज दैट हिज कंट्रीमैन शुड गिव अप ऑल दैट इज इवल। वो चाहते हैं कि उनके देशवासी सब कुछ छोड़ दें जो बुरा है, यानी कि वो चाहते हैं कि उनके देशवासी सभी बुराई चीज़ों से मुक्त हों, सभी बुरी चीज़ों से आज़ाद हों। दे शुड नॉट बी नैरो माइंडेड। वो चाहते हैं कि उनके देशवासी नैरो माइंडेड ना हों। ओनली देन कैन हिज कंट्री अचीव इंडिपेंडेंस इन द रियल सेंस। रविंद्रनाथ टैगोर जी का देश पैराडाइज ऑफ फ्रीडम तभी बन सकता है जब उनके देशवासी सभी बुराइयों से मुक्त हों, उनके देशवासी नैरो माइंडेड ना हों। रियल सेंस में तभी ही उनका देश इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ समरी ऑफ द पोएम। कविता का सारांश लिखिए। तो इसका आंसर है, द पोएट वॉन्ट्स हिज कंट्री टू बी अ पैराडाइज ऑफ फ्रीडम। जो कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो चाहते हैं कि उनका देश स्वतंत्रता का स्वर्ग बने। He wants it to be free from all evil. वो चाहते हैं कि उनका देश सभी बुराइयों से मुक्त हो। People should be free from narrow ideas of caste and creed. इस कविता के कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं कि उनके देश के लोग, उनके देशवासी जाति और पंथ के संकीर्ण विचारों, यानी कि नैरो आइडिया से मुक्त हों। दे शुड एवर स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। वो चाहते हैं कि उनके देशवासी परफेक्शन के लिए प्रयास करें, यानी कि पूर्णता के लिए प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, इस कविता में यही कहा गया है कि जो पोएट है वो यही चाहते हैं कि उनके देश के लोग सभी बुराइयों से मुक्त रहें, नैरो माइंडेड ना रहें। वो चाहते हैं कि जो रिलीजन, कास्ट और क्रीड की जो दीवारें हैं वो ख़त्म हो जाएं। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका देश आज़ादी का एक सच्चा स्वर्ग बने। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम पर सतगुरु इंस्टीट्यूट के नाम से ऑफिशियल चैनल बना हुआ है। आप सतगुरु इंस्टीट्यूट को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो के लिंक्स और सभी चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द पोएट टॉकिंग टू, व्हाट इज ही सेइंग। जो पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो इस कविता में किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? तो इसका आंसर है, द पोएट इज टॉकिंग टू गॉड। जो पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो परमात्मा से बात कर रहे हैं। ही इज रिक्वेस्टिंग गॉड टू लिबरेट हिज कंट्री फ्रॉम द सुपरस्टिशंस एंड प्रेजुडाइसेस सेट बाय सेंचुरीज ओल्ड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। वह परमात्मा से प्रार्थना करते हैं
कि वह उनके देश को सदियों पुराने रीति रिवाज और प्रथाओं द्वारा निर्धारित सुपरस्टिशंस से उनके देश को मुक्त कर दें। ही इज एस्पायरिंग फॉर अ नेशन वेयर एवरीवन विद इन द फोल्ड ऑफ ब्रदरहुड इज फ्री टू होल्ड देयर हेड हाई एंड एनीवनस वॉइस कैन बी हियर्ड विदाउट फियर ऑफ अप्रहेंशन और प्रोसिक्यूशन। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे राष्ट्र की, एक ऐसे नेशन की आकांक्षा रखते हैं जहां लोग भाईचारे से, ब्रदरहुड से रहे, जहां पर लोग स्वाभिमान से अपना सिर ऊंचा रखने में सक्षम हो, जहां पर किसी की भी आवाज़ बिना किसी डर के, बिना किसी भय के सुनी जा सके। ही टॉक्स अबाउट अ नेशन वेयर नॉलेज इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय नैरो आइडियाज। वो एक ऐसे राष्ट्र की, ऐसे नेशन की बात करते हैं जहां पर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, नैरो आइडियाज के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड ना हो, प्रतिबंधित ना हो। एंड इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो नॉलेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। सो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन वेयर नॉलेज इज फ्री। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान मुफ्त है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, द पोएट वॉन्ट्स दैट नॉलेज शुड बी फ्री इन हिज कंट्री। जो कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो चाहते हैं कि उनके देश में ज्ञान, नॉलेज मुफ्त होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फॉर वन एंड ऑल। वो चाहते हैं कि जो ज्ञान है वो एक और सभी के लिए फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सोल्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। वो चाहते हैं कि ज्ञान को स्कूल और कॉलेजेस में नहीं बेचा जाना चाहिए। एवरीवन शुड हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन। हर एक व्यक्ति को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। सो फ्रेंड्स, वेयर नॉलेज इज फ्री का अर्थ यही है कि जो ज्ञान है सबके लिए फ्री है, सभी को मुफ्त ज्ञान का अधिकार है, ज्ञान को स्कूल और कॉलेजेस में बेचा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल अकाउंट बना हुआ है, आप सतगुरु इंस्टीट्यूट को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज द वर्ल्ड ब्रोकन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के कारण दुनिया क्यों विभाजित हुई है, क्यों टूटी है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, द वॉल्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड डिवाइड द वर्ल्ड। धर्म, जाति और पंथ की दीवारों ने दुनिया को बांट दिया है, दुनिया को विभाजित कर दिया है। दीज वॉल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। धर्म, जाति और पंथ की दीवारें दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। वी कैन ओनली पुट देम डाउन थ्रू लव एंड नॉन वायलेंस। इन दीवारों को हम केवल लव यानी कि प्रेम एंड नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के माध्यम से ही खींच सकते हैं। यानी कि जो धर्म, जाति और पंथ की दीवारें हैं, इन दीवारों को हम सिर्फ प्यार और अहिंसा से ही ख़त्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का सतगुरु इंस्टीट्यूट ऑफिशियल नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है, आप इस फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएट डिजायर फॉर हिज कंट्री। जो कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो अपने देश के लिए क्या चाहते हैं? तो इसका आंसर है,
द पोएट वॉन्ट्स हिज कंट्री टू बी अ ट्रू पैराडाइज ऑफ फ्रीडम। जो कवि है रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो अपने देश को स्वतंत्रता का सच्चा स्वर्ग बनाना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स द नॉलेज इन हिज कंट्री टू बी फ्री। वो चाहते हैं कि उनके देश में जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो फ्री हो। पीपल शुड बी ब्रॉड माइंडेड। वो चाहते हैं कि उनके देश के लोग व्यापक सोच वाले होने चाहिए। दे शुड फॉलो ट्रूथ एंड लॉजिक। वो चाहते हैं कि उनके देश के लोग सच्चाई और तर्क का पालन करते होना चाहिए। दे शुड बी सेल्फ रिस्पेक्टिंग। वो चाहते हैं कि उनके देश के लोग स्वाभिमान होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो यही चाहते हैं कि उनका देश आज़ादी का सच्चा स्वर्ग बने, उनके देश के लोग सभी बुराइयों से मुक्त हों, उनके देश में ज्ञान फ्री हो, लोग ब्रॉड माइंडेड हों, ट्रूथ और लॉजिक को फॉलो करते हों और सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट बना हुआ है। आप सतगुरु इंस्टीट्यूट को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारा पोएट्री सेक्शन कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी पर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग सतगुरु इंस्टीट्यूट।